किस जंजाल में गुजरी हैं घड़ियां जिंदगानी की। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जिसने बेपनाह मेहनत, लगन और जदोजहद के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम और मुकाम पैदा किया, जब अरूज की बुलंदी पर पहुंचा वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी चाहत थी, लेकिन उस इंसान को सब कुछ पाने के बाद भी खाली महसूस होता रहा। इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ पा लेने के बाद भी खुद को नामुकम्मल फील करता रहा। फिर उस नामवर गुलकार ने खुद की बेचैनी की वजह तलाश करना शुरू की। वो वजह थी दीन से दूरी। जितनी शोहरत म्यूजिक से वाबस्तगी की वजह से मिली, उससे भी ज्यादा शोहरत, इज्जत, दौलत ये सब कुछ छोड़कर मिली पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर जुनेद जमशेद साहब। जुनेद जमशेद पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। वो कैसे इस फील्ड में आए, कैसे अरूज मिला, फिर अरूज पर कैसे दीन की खातर सब कुछ कुर्बान कर दिया, फैमिली, बीवी, बच्चे और फिर अचानक अलमनाक मौत। 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा होने वाला जुनेद जमशेद, जिसके वालिद का नाम जमशेद अकबर खान था, जो पाक फिजाइया में ग्रुप कैप्टन के ओहदे पर फाइज थे। जुनेद जमशेद की फैमिली में साहबजादा जहांगीर, जो कि उनकी वालदा के कजन हैं, जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ की तामीर तश्कील में अहम किरदार अदा किया। पीटीवी के ड्रामा सिल जना से कायद में एम ए जना का किरदार निभाने वाले शनि जहां उनके बेटे थे, जबकि उनके दूसरे बेटे कैफी जहांगीर बरतानिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे। इसके अलावा मरूफ सियासतदान फौजिया कसूरी जुनेद जमशेद की आंटी हैं और मरूफ अदाकार अली खान भी करीबी रिश्तेदारों में से हैं। जुनेद जमशेद ने इब्तदाई तालीम सऊदी अरब से हासिल की। अपने वालिद की तरह जुनेद जमशेद को भी एयरफोर्स में जाने का शौक था, लेकिन नजर की कमजोरी की वजह से वहां सिलेक्शन ना हो सकी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। 1990 में डिग्री हासिल कर ली। जुनेद जमशेद की आवाज शुरू से ही बहुत अच्छी थी और बहुत सुरीला था। अपने कॉलेज के दिनों में एक बैंड के साथ मुंसलिक हो गए। ये बैंड मुख्तलिफ प्राइवेट शोज भी करता था। रोहेल और शहजाद हसन ने एक बैंड तश्कील दिया जिसका नाम था वाइटल साइन बैंड, और इस बैंड में लीड सिंगर के लिए जुनेद जमशेद को शामिल किया गया, क्योंकि जुनेद जमशेद अपने कॉलेज के मशहूर सिंगर थे। यूं जुनेद जमशेद इस बैंड का हिस्सा बन गए। ये बैंड मुख्तलिफ प्राइवेट फंक्शन करने लगा जिससे माली तौर पर भी फायदा होने लगा। पाकिस्तान के मायानाज डायरेक्टर शुएब मंसूर ने जब जुनेद जमशेद को सुना तो उसकी आवाज से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने जुनेद जमशेद के लिए गाना लिखा जो बाद में नगमे की शक्ल अख्तियार कर गया। इस गीत ने उसको अरूज की बुलंदी पर पहुंचा दिया, जिसके बोलते दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। फिर इस बैंड ने अपना एल्बम रिलीज किया जिसमें इसी गीत को भी शामिल किया गया, जो 14 अगस्त 1987 को रिलीज किया गया। इसके अलावा इस एल्बम का मशहूर गीत तुम मिल गए, इन दोनों गीतों ने ना सिर्फ इस बैंड को कामयाब करवाया बल्कि जुनेद जमशेद को रातों रात स्टार बना दिया। जुनेद जमशेद ने म्यूजिक शौकिया ज्वाइन किया था, लेकिन इसमें कामयाबी मिलने के बाद इसको प्रोफेशन बना लिया, और उस दौर में वो ज़ेर तालीम थे। जब डिग्री मुकम्मल कर ली तो उसके बाद मुलाजमत भी की, लेकिन इस बैंड के दिगर साथियों ने, जिनमें रुहेल और शहजाद ने, दोनों ने जुनेद जमशेद को नौकरी छुड़वा कर वापस इस बैंड में ले आए। फिर वक्त ने साबित किया कि जुनेद जमशेद पाकिस्तान का नंबर वन गुलकार और वाइटल साइंस बैंड पाकिस्तान का नंबर वन म्यूजिकल बैंड बन गया, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पहले एल्बम की कामयाबी के बाद इस बैंड को मुख्तलिफ कंपनीज की जानब से इश्तेहारात भी मिलने लगे, माली तौर पर भी काफी फायदा हुआ। इसके अलावा दूसरा एल्बम 1991 में रिलीज किया, मगर ये एल्बम वो कामयाबी हासिल ना कर सका जो इससे पहले को मिली थी। पुरकशिश खुबरू नजर आने वाले जुनेद जमशेद को पीटीवी की जानब से ड्रामों में काम करने की ऑफर हुई, और इस तरह 1993 में ड्रामा सिल ढूंढते ढूंढते में कास्ट कर लिया गया और बेहतरीन अदाकारी की। उन्नीस सौ चौरानवे में आखिरी एल्बम हम तुम रिलीज हुआ और ये एल्बम इस बैंड का आखिरी एल्बम साबित हुआ। इसके बाद ये बैंड टूट गया और जुनेद जमशेद ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया, खुद ही म्यूजिक की कंपोजिशन स्टार्ट कर दी। इनफरादी हैसियत में जो पहला एल्बम रिलीज किया जिसके तमाम गाने सुपरहिट हो गए, जिनमें मशहूर गीत ना तू आएगी ना ही चैन आएगा।
आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया है। आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं डूब जाए ना। हम तो चले उस राह पर, ये तमाम गीत अपने वक्त के सुपरहिट सॉन्ग हैं। फिर सन 2000 में अपना तीसरा एल्बम रिलीज किया जिसमें पुराने गानों को रिमिक्स किया गया। फिर 2001 में आखिरी एल्बम दिल की बात रिलीज हुआ। इससे कबल ही जुनेद जमशेद इस्लाम की जानब रागब होना शुरू हो गए थे। पाबंदी से 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लग गए थे, क्योंकि उस दौर में जुनेद जमशेद और मौलाना तारक जमील की आपस में दोस्ती हो गई थी और मौलाना तारक जमील जुनेद जमशेद को तबलीग करने लग गए थे। फिर वक्त के साथ साथ जुनेद जमशेद म्यूजिक से दूर और इस्लाम के करीब होने लगे, मीडिया पर भी बहुत कम नजर आते थे और गैर अलानी तौर पर जुनेद जमशेद म्यूजिक को तर्क कर चुके थे, जिस वजह से शदीद माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि जुनेद जमशेद का जरिया रोजगार म्यूजिक ही था। मौसीकी छोड़ने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। दूसरी जानब शुएब मंसूर ने जुनेद जमशेद को हर मरहले पर बेहद सपोर्ट किया। इसके अलावा कदम कदम पर मौलाना तारक जमील भी उनको मोटिवेट करते रहे। एक बार ऐसा भी हुआ कि शदीद माली मुश्किलात की वजह से उसने इरादा तर्क करके दोबारा म्यूजिक इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहां भी बेसुकूनी मिली। फिर दोस्तों से मशवरे के बाद 2004 में म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर उनसे पैसे उधार लेकर अपना कपड़े का ब्रांड बनाने का फैसला किया, जिसका नाम रखा गया जे। फिर दुनिया ने देखा और वक्त ने साबित किया कि वही जुनेद जमशेद जो गुलकारी से जाना जाता था वो बिजनेसमैन बन गया, अपना हुलिया तब्दील कर लिया, दाढ़ी शरीफ रख ली। अल्लाह पाक ने जुनेद जमशेद को बेपना इज्जत दौलत शोहरत और रिजक दिया। जुनेद जमशेद के जिगरी दोस्त शुएब मंसूर ने उसकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसमें उसी को बतौर हीरो कास्ट करने की ऑफर की, लेकिन इस फिल्म में काम करने के लिए जुनेद जमशेद को अपनी दाढ़ी मुंडवानी पड़नी थी। ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि एक तरफ इस्लाम की दौलत और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनते मुबारका, जबकि दूसरी जानब ऐसा दोस्त जिसने हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। खैर, जुनेद जमशेद ने वक्ती तौर पर उस फिल्म में काम करने की हामी भर ली, लेकिन जब उस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो उसने ऐन मौके पर काम करने से मुआजरत कर ली। वो फिल्म थी खुदा के लिए, जो 2007 में रिलीज हुई और सुपरहिट रही। बाद में इस फिल्म में शान शाहत को कास्ट किया गया। जुनेद जमशेद के ऐन मौके पर इनकार करने पर दोनों के बीच शदीद नाराजगी भी रही। दूसरी जन्म जुनेद जमशेद ने मौलाना तारक जमील से दीन के मुतालिक तालीम हासिल करना शुरू कर दी, तबलीगी जमात के साथ मिल गए और दरसे निजामी का कोर्स भी किया। मौलाना तारक जमील और जुनेद जमशेद दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जो आखिरी वक्त तक कायम रही, और दोनों ने एक साथ मिलकर हज की सादत भी हासिल की। कुदरत का दिया गया वो तोहफा जो सुरीली आवाज में था, उसको कुदरत की हमद नात और जिक्र अलाही के लिए वक्फ कर दिया, और इस फॉर्मेट में भी जुनेद जमशेद ने सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत ही पुरसकून नाते और हमद जो आज भी दिल को सुकून देती है। नातों के 10 एल्बम रिलीज किए। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। बहुत कम अरसे में जुनेद जमशेद ने दीन की तालीम और तबलीग शुरू कर दी। एक बार स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए एक वाकया बयान कर रहे थे कि औरत का जिक्र आ गया, जिसमें बताया गया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है और पसली टेढ़ी होती है, अगर इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी। और अनजाने में उनसे अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी हो गई, जिसकी वजह से वो तौहीन के मुर्तकब ठहरे। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने जुनेद जमशेद पर तशद्दुद करने की भी कोशिश की। इस वाकया पर गलती का एहसास हुआ और कैमरे के सामने आकर गलती का इतराफ किया और माफी मांगी। पाकिस्तान की मोहब्बत में दिल दिल पाकिस्तान का गीत नहीं छोड़ा, आखिरी वक्त तक इस नगमे को गाते रहे। क्योंकि ताल्लुक मीडिया से था तो अक्सर मुख्तलिफ रमजान ट्रांसमिशन में बतौर मेहमान और मेजबान भी नजर आते रहे। 2016 के आखिरी महीने दिसंबर की 7 तारीख को ऐसा दिन आया जिसने इस चमकते सितारे को हमेशा के लिए बुझा दिया। तबलीग के सिलसिले में चतराल गए थे, जुमे का दिन था, वापसी बजरिया जहाज इस्लामाबाद आना था, क्योंकि पार्लियामेंट की मस्जिद में जुमे का खुतबा देना था। जहाज ने परवाज भरी मगर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले हवेलिया के मुकाम पर गिरकर तबाह हो गया। जुनेद जमशेद और उनकी दूसरी बीवी नाहिया समेत तमाम मुसाफिर शहीद हो गए। यूं पाकिस्तान का बहुत ही प्यारा और मुस्बत चेहरा इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। जुनेद जमशेद का लॉस यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा था। आपको कुरंगी कब्रिस्तान कराची में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। सोगवारान में पहली बीवी आयशा जबकि 3 बेटों समेत एक बेटी छोड़ी। आपकी नमाज़े जनाजा आपके साथी मौलाना तारक जमील ने अदा की। तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूं, सरापा फक्र। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस अजीम इंसान की मगफरत फरमाए। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इख़लास पढ़कर जुनेद भाई की रूह को लाजमी एहसाल-ए-सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।